हेलो दोस्तों, गेकोस गैरेज में आपका स्वागत है। आज काफी कीचड़ है तो हम अपना कार वॉश रेडी कर रहे हैं। वो देखो, बेबी ट्रक आ रहा है साफ होने के लिए। हेलो बेबी ट्रक, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। स्प्लेश स्प्लैश एंड स्प्लॉश, चालू करो गेकोस कार वॉश। ये तो सही नहीं है, तुम अभी भी कीचड़ से भरे हो। ओ अच्छा, हमने इसमें साबुन डाला ही नहीं। बिना साबुन के चमकती हुई सफाई नहीं मिल सकती। अब साबुन ऊपर तक भर चुका है, अब सारी मिट्टी धुल जाएगी। अजीब बात है, रोलर से तो धुलाई अच्छे से हो जानी चाहिए थी। आहा, अब समझ आया, बेबी ट्रक इतना छोटा है कि रोलर्स उस तक पहुंच ही नहीं पा रहे। हुर्रे! कार वॉश ने काम कर दिया और बेबी ट्रक बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय। ये लो एरिक, अब तो ठीक है ना? ये क्या था? ओ, ये तो मैक्स द मॉन्स्टर ट्रक है, उसे यहाँ नहीं खेलना चाहिए। कंस्ट्रक्शन की जगह सुरक्षित नहीं है। देखो मैक्स कितना नुकसान कर रहा है। ओ नहीं, मैक्स का फ्यूल खत्म हो गया, हमें उसे निकालना होगा इससे पहले कि कंक्रीट सूख जाए। जाओ मैकेनिकल्स, जल्दी से पेट्रोल लेके आओ। ओ डियर, ये कंक्रीट तो बहुत जल्द सूखने वाला है। समझ नहीं आता अब हम ये पेट्रोल मैक्स तक कैसे पहुंचाएंगे। एरिक ने एक ब्रिज बना दिया। कंक्रीट सूख नहीं वाला है। चलो मैक्स चलो। लगता है मैक्स को उसका सबक मिल गया। थैंक्स एरिक, तुमने अच्छा काम किया। अगली बार फिर मिलेंगे, बाय। हेलो दोस्तों, गेकोस गैरेज में आपका स्वागत है। आज हम बॉबी द बस का चेकअप कर रहे हैं, बस होने ही वाला है। रुको मैकेनिकल्स, मैं अभी भी बस के ऊपर हूँ। बॉबी बॉबी,
ओह डियर, वो मुझे सुन नहीं सकता। मैकेनिकल्स, जल्दी करो, मुझे यहाँ से निकालो। वो देखो, सामने एक ब्रिज है। बॉबी तो बहुत तेज जा रहा है। अरे वो देखो, एक ऊंचा ब्रिज। यही सही वक्त है मैकेनिकल्स, अगर मैं इसे पकड़ सकूं। छूट गया, अब क्या करूं? बहुत अच्छे येलो, तुमने मुझे बचा लिया। कोई बात नहीं बॉबी, तुम्हें मालूम नहीं था और किसी को चोट भी नहीं लगी। मदद के लिए शुक्रिया मैकेनिकल्स, मैं तुम्हारे बिना क्या करता। बाय। बहुत अच्छे मैकेनिकल्स, गैरेज को अच्छे से साफ और चमका देते हैं। ओह, लगता है कोई कस्टमर आया है। ये तो ट्रक फैमिली है, मम्मी ट्रक, मम्मी रिसाइकल और बेबी ट्रक, जो शायद थोड़ा परेशान है, हिलता हुआ दांत। इसमें घबराने की कोई बात नहीं बेबी ट्रक, इसके निकलने के बाद तुम इसे अपने सिरहाने रख देना और तुम्हें मिलेगा एक सोने का सिक्का। ओ नहीं, छींक आने से बेबी ट्रक का दांत निकल गया। ओ फिक्र मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो चलो मैकेनिकल्स। ओ यक, सॉरी ग्रीन, ये तो दांत नहीं है। ओ ई, ओ ओ, ध्यान से येलो। ओह, हमने सारा गैरेज ढूंढ लिया लेकिन कहीं भी बेबी ट्रक के दांत का कुछ पता नहीं चला। जरा एक मिनट रुको, हमने एक जगह पर अभी नहीं ढूंढा है, ब्लू के डस्टर के अंदर। आहा, ये लो बेबी ट्रक, अब घर जाओ और इसे तकिए के सराहने रख लो, और हम आपसे मिलेंगे और भी नए एडवेंचर्स के साथ गेकोस गैरेज में। बाय। हेलो दोस्तों, गेकोस गैरेज में आपका स्वागत है। आज का दिन एकदम शांत है, इसलिए हम गैरेज की सफाई कर रहे हैं। हाँ, ये अजीब सी आवाज कैसी है? अरे बॉबी द बस, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आ जाओ देखते हैं तुम्हें क्या हुआ है। अरे बाप रे, बॉबी की तबीयत बहुत ही खराब है, चलो देखते हैं कि क्या किया जाए। शायद तुम्हारे रेडिएटर को पानी की जरूरत है, चलो जाओ मैकेनिकल्स। आओ, नहीं ये तो सही नहीं है। आओ, 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 आओ। एक मिनट रुको। आहा,
बेचारे बॉबी का ऑयल लीक हो रहा है। ऑयल से इंजन बिल्कुल ठीक तरह से चलता है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। हमें लीकेज की जगह पता चल गई है। तुम्हारे पाइप से ऑयल लीक हो रहा है। ग्रीन छेद को बंद कर देगा अच्छी तरह पाइप को वेल्ड करके, और प्लास्टर तुम्हारे आउची को साफ रखेगा। हुर्रे! वेल डन ब्लू, वेल डन ग्रीन। अब कैसा लग रहा है बॉबी? एक और हैप्पी कस्टमर। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे गेकोज़ गैरेज में। बाय। ओह, हेलो दोस्तों, वकीदा आइसक्रीम ट्रक यहाँ रिपेयरिंग के लिए आई है। हमारा काम बस खत्म ही होने वाला है। थैंक्स येलो। क्या तुम स्क्रू ड्राइवर ला सकते हो? ध्यान से मैकेनिकल्स, उस पाइप के अंदर बर्फीली हवा है, इससे विकी अपनी आइसक्रीम फ्रीज करती है। येलो, उस बटन को मत छूना। थैंक्स मैकेनिकल्स, तुमने मुझे बचा लिया। चलो अब चल के विक्की को ठीक करते हैं। शुक्रिया विक्की, बाय दोस्तों। हेलो एवरीवन, मैं गेको हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। आज हमारे गैरेज में बेबी ट्रक पहली बार आ रहा है, इसलिए हम उसको आज एक स्पेशल गेको वेलकम देने वाले हैं। हेलो बेबी ट्रक, तुम घबरा क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, तुम सुरक्षित हाथों में हो, है ना मैकेनिकल्स? बेबी ट्रक रुको। ओहो, हमने बेबी ट्रक को डरा दिया। चिंता मत कीजिए मम्मी ट्रक, हम उसे ढूंढ लेंगे। जल्दी मैकेनिकल्स, हमें बेबी ट्रक को ढूंढना होगा। बेचारा बेबी ट्रक, पता नहीं वो कहाँ है। क्या तुम छुप रहे हो बेबी ट्रक? क्या तुम घबरा रहे हो? तुम्हें पता है, मैं भी, क्योंकि तुम्हारा गैरेज में पहला दिन है, इसलिए हम तुम्हारा ये दिन स्पेशल बनाना चाहते थे। आई एम सॉरी अगर तुम्हें डरा दिया, पर मेरा वादा है हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब तो ठीक है ना? गैराज अपने दरवाजे खोलो, बेबी ट्रक को हमारी मदद की जरूरत है।
तुम्हारा दिन अच्छा बीते बेबी ट्रक, तुम बहुत बहादुर हो। यू वेलकम बेबी ट्रक। गेको के गैरेज में आने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बाय। गेको's गैरेज में आपका स्वागत है। आज कितना सुहाना दिन है, इसलिए रेड छत पर जा रहा है। वो वहाँ जाकर हमारे नए सोलर पैनल की फिटिंग करेगा। ये सूरज की ऊर्जा को सोख लेंगे और इसे पूरे गैरेज के लिए बिजली में बदल देंगे। हेलो बॉबी। वाओ, ये तुम्हें क्या हुआ? बहुत गंदे दिख रहे हो, हमने तो कल ही तुम्हारी सफाई की थी। कोई बात नहीं, स्प्लिश स्प्लैश फ्लॉश एक्टिवेट करो गेको's कार वॉश। हो गई सफाई, अब तुम चलने के लिए तैयार हो बॉबी? हाँ? ओ, तुम तो फिर से गंदे हो गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है तुम्हारी सफाई हाथों से करनी होगी। लो हो गए साफ। तुम अपने रूट पर जा सकते हो बॉबी। अच्छा, इसलिए तुम गंदे हो रहे हो, तुम्हारा पुराना पेट्रोल इंजन। क्या तुम्हें एक नया और साफ सुथरा इलेक्ट्रिक इंजन चाहिए बॉबी? सोलर पैनल्स तैयार हैं? सोलर पैनल सूरज से ऊर्जा लेते हैं और बॉबी को चलने के लिए क्लीन पावर देते हैं। हुरे! तो आप सबसे फिर मिलेंगे दोस्तों गेको's गैरेज में। फियोना फायर ट्रक, आखिर बात क्या है? तुम्हारी होस काम नहीं कर रही है, चलो देखते हैं। तुम फिक्र मत करो फियोना, हम तुम्हें जल्द ही ठीक कर देंगे। मैं अपना रिंच लेके आता हूँ। क्या? कम ऑन मैकेनिकल्स, मेरी मदद करो प्लीज। तुम ठीक तो हो ना येलो? खैर, मुझे लगता है अब तुम ठीक हो गए हो। गेको's गैरेज में आने के लिए धन्यवाद फियोना। बाय। हेलो दोस्तों, एरिक द एक्सकेवेटर आया है सर्विस के लिए। हमें ये चेक करना है कि वो अपने खुदाई के काम के लिए फिट है या नहीं। कौन कौन मदद करेगा? तो मैं चूज करता हूँ येलो।
मुझे पता है तुम्हें खेलना है, लेकिन गैरेज के काम में भी तुम्हें उतना ही मजा आने वाला है। सबसे पहले हम तुम्हारा इंजन चेक करेंगे एरिक, तो इंजन को जोर से चालू करो। तुम इससे बेहतर कर सकते हो एरिक। बढ़िया कैच येलो। वक्त है तुम्हारे कैटरपिलर ट्रैक को चेक करने का। ये सर्विसिंग का आखिरी हिस्सा है एरिक। देखते हैं तुम्हारे डिगर आर्म्स कैसे काम कर रहे हैं। इनको ऑयलिंग की जरूरत है येलो। बहुत अच्छे एरिक, तुम सर्विसिंग का टेस्ट पास कर गए हो और अब खोदने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तुम जाकर खेलोगे येलो। मैंने कहा था ना काम में मजा आएगा। आप सबसे फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार कामों के साथ यहाँ गेकोस गैरेज में।